सो हेलो डियर ऑल, नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर टू। और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। एक वायर है स्टील की जिसका लेंथ है 2.5, उसकी डेंसिटी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उस वायर का वेट है कहीं ना कहीं 50 kg। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लेट से ये कोई वायर है, ये आपकी वायर है जिसकी डेंसिटी लेंथ लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे L, तो L आपको यहाँ पे 2.5 मीटर दे रखा है। तो इसको अगर मुझे किसी यूनिट में कन्वर्ट करके देखना होगा तो वो ये है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी सेंटीमीटर में बेटा, तो हम लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है 2.5 मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ थी। अब यहाँ डेंसिटी, डेंसिटी आपको यहाँ पे गिवन है और वो गिवन है 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप ऐसा लिखते हैं। और ये जो वेट है हमारे पास यहाँ पे, वो वेट भी आपको दे रखा है 50। तो वेट की बात जब भी होती है तो बेसिकली हम बात करते हैं मास की, तो वेट को हम मास भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मास या वेट आप कुछ भी बोलिए, ये आपको दे रखा है 50 ग्राम। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है फर्दर, ये जो वायर है ये स्ट्रेच हो जाती है जब इसमें 10 kgf का एक फोर्स लगता है। किसी फोर्स को बोलो या कोई यहाँ पे एक पुल लो, तो जब इसमें मैं फोर्स करूँगा, है ना, जब मैं इस वायर को खींचूँगा एक फोर्स के साथ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लेंथ मेरी चेंज होगी। और जो लेंथ मेरी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एल। तो डेल्टा एल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो दिख रहा है 2 mm। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था 1 mm में आपका 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे इसको 1/10 से इंटू करना पड़ेगा और फाइनली जो एल का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। L मेरे पास है, डेल्टा L मेरे पास है, प्रेशर है, मास है, और अब देखते हैं, अब हमारे पास एक फोर्स भी आ गई है। तो फोर्स है 10 kgf। तो kgf की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को यहाँ लिखा है। 1 kgf एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg का होगा तो अर्थ क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को पुल करता है अपनी तरफ, तो वो ही आपका 1 kgf हो जाता है। और इसका वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन। सिंपल सी बात है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है तो अर्थ क्या करता है, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करता है, और जिस फोर्स से उसको वो पुल करता है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी से रिलेटेड ही है। तो इसलिए वो 9.8 न्यूटन का फोर्स बन जाता है 1 kgf। तो क्वेश्चन में एक चीज़ जो और हमें पता चली है वो ये है, जो मेरे पास फोर्स यहाँ पे गिवन है जिसको मैंने बोला है 10 kgf, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ न्यूटन में तो मैं इसको इंटू करवाऊंगा 10 × 9.8 न्यूटन। ठीक है, और फर्दर इसको मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डाइम में, क्योंकि 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स जो हो जाएगा बेटा, ये आपको मिल जाएगा 10 × 9.8, और 1 न्यूटन को डाइम में अगर चेंज करूँ तो ये बना 10 की पावर 5 डाइम। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे 2-3 कि आपने इसको डाइन में क्यों कन्वर्ट किया सर। और इसका रीजन ये है बेटा, आपकी जो सीजीएस यूनिट होती है,
आपकी जो सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है, तो अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा न्यूटन होता है, ठीक है, उसको हम न्यूटन ना लिख के डाइन की फॉर्म में लिखते हैं। तो सीजीएस यूनिट में एक तो डाइन की बात चलती है, और हमें कैसे पता चला ये सीजीएस यूनिट से ही क्वेश्चन है? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी आपने यहाँ पे लेंथ आपनी बनाई है वो सेंटीमीटर की फॉर्म में बनाई है, ठीक है। तो जब भी सेंटीमीटर की फॉर्म में आंसर देखा जाएगा तो सीजीएस यूनिट को लिया जाता है, यानी डाइन को लिया जाता है। और अगर यही यूनिट आप यहाँ मीटर में भी दिखा देते तो ये यूनिट आपकी बन जाती हमारी SI यूनिट। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि जो फोर्स होती है हमारी सीजीएस यूनिट में वो होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये एरिया होता किसका है, ये एरिया होता है हमारे स्ट्रेस का। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है बेटा एक ऐसा इंटरनल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं जो कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि इसको डाइन में क्यों चेंज किया, ये सेंटीमीटर में क्यों चेंज करे, बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी, ये सब इस डेंसिटी की वजह से हो रहा है। दूसरा आपका ये जो 2 mm को भी सेंटीमीटर में चेंज किया, ये इंक्रीजिंग लेंथ है जिसको हम डेल्टा एल से दिखा रहे हैं। एल मेरे पास है, पी मेरे पास है, मास मेरे पास आ गया, और अभी अभी फोर्स भी मेरे पास यहाँ आ चुकी है। तो इस सारे क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें जब आ चुकी हैं, अब मुझे चाहिए सिर्फ यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। तो इसके लिए अभी आप थोड़ा सा पॉज कीजिए। तो अब हम स्लाइड नंबर 2 में इसी कैलकुलेशन पे आगे जाएंगे और देखेंगे एग्जैक्टली हमें क्या क्या चाहिए। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो होगा वो आपको पता है, फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो यंग मॉड्यूलस का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है बेटा, दैट इज स्ट्रेस अपॉन दी स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अभी लॉन्गिट्यूडनल ही स्ट्रेन लिखना पड़ेगा बिकॉज लेंथ का यहाँ पे बात चल रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिवाइड करोगे तो आपको पता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहीं से ये जो मॉड्यूलस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, और ऊपर भी इंटू का आ जाएगा एल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉड्यूलस। अब यहाँ पे आपको फोर्स प्रोवाइडेड है, आपको लेंथ प्रोवाइड है, चेंज इन लेंथ प्रोवाइडेड है, बस एरिया मिसिंग है, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहता हूँ, तो उसको सुनिएगा बड़े ढंग से। मास की बात यहाँ करी गई है, तो मास होता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, गॉट इट। तो आपको डेंसिटी भी पता है, आपको मास भी पता है, अब इस वॉल्यूम का क्या रोल है? किसी भी क्वेश्चन में जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। तो बेसिकली ये नथिंग, इट इज द एरिया इनटू द हाइट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि लेंथ की बात चल रही है, तो वो जो हाइट होता है वो एरिया इनटू लेंथ बन जाता है। और डेंसिटी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, दैट इज योर पी लेट्स से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम फॉर मास के इक्वल। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू लूं तो ये हो जाएगा मास अपॉन एल इंटू पी डेंसिटी। मास आपके पास है यहाँ पे 50 ग्राम, लेंथ आपके पास जो है आपके पास वो उसने गिवन कर रखी है 250 सेंटीमीटर, और जो आपके पास यहाँ डेंसिटी है वो उसने यहाँ 8 बोला है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 1/5, और ये बन गया 1/40, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा बेटा।
1/40 को अब अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.025, और यूनिट यहाँ पे क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई? बिकॉज यहाँ एरिया की ही बात चल रही है, तो दिस इज योर एरिया। तो ये एरिया जैसे ही मेरे पास ये एरिया निकला, अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सॉल्यूशन में यहाँ डालूँ तो क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। तो इस पिक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, सर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इज आंसर। फोर्स आपने देखा, आपके पास आया था 10 × 9.8 × 10^5 डाइन, है ना। लेंथ एल, जो लेंथ आपके पास थी वो थी यहाँ पे 250, तो आपने उस लेंथ को यहाँ पे 250 ही लिखा है। फिर आप चले एरिया पे, एरिया आपने अभी अभी देखा, तो दिस इज 0.025 × और फिर आपने डेल्टा एल जिसकी बात करी थी, तो डेल्टा एल आपने देखा था वो 2 mm था, जो कि फिर 0.2 cm बन गया था। तो ये बन गया आपका 0.2 cm। अब मैं कैलकुलेशन को अगर ढंग से देखूं तो यहाँ से अगर डॉट हटेगा तो यहाँ 10^3 आ जाएगा। अगर ये डॉट हटा तो यहाँ से डॉट हटाया, अब ये 25 बचा। इस 25 को अगर मैं इससे कट करूँ तो ये पूरा का पूरा 10 आएगा। वहीं पे अगर आप देख सकें, ये आपको अगर मैं फिर से यहाँ पे डॉट से डॉट हटाया, इसको कट किया, तो ये बना मेरा 49, ठीक है। और ये पावर मेरे पास क्या बची, 49 × 10^1, 10^5 यानी 6, एक इसने दिया 7 और एक इसने दिया, ये हो गया 10। तो ये हो गया 10^10, ठीक है। क्योंकि यह यंग मॉडल्स की बात चल रही है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो वही होता है जो फोर्स का होता है। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। और अगर आप इसको बुकिश लैंग्वेज से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो क्या करता है, इस 49 को 4.9 लिख के यहाँ आपका 10^11 बना देता है। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्योंकि ये ध्यान रखना, जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन यानी डेल्टा एल अपॉन एल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपका यूनिट लेस रहता है। और स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो हमें पता है, सीजीएस यूनिट की बात चल रही है, तो दिस इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इन्हें आप डिवाइड करोगे तो इसका तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो फाइनली जो यूनिट आएगा मेरे पास वो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा। सो विद दिस वे योर दिस न्यूमेरिकल इज डन। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।